फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 डेव चैनल पे एक नया अपडेट को प्रोवाइड किया। इस अपडेट का बिल नंबर है 23560। तो इसी बिल नंबर के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 डेव चैनल पे एक नया फीचर्स इसके साथ साथ कुछ फिक्सेस प्रोवाइड किया। चलो मैं यहाँ पर बोलने की कोशिश करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं मेरा डेस्कटॉप में आ गया। अभी मैं यहाँ पर देखा तो इस डेस्कटॉप में विंडोज 11 का कौन सा वर्जन चल रहा है। देखो यहाँ पर मैं इस सेक्शन में जाके देखो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पर कौन सा वर्जन चल रहा है विंडोज 11 का 23560 जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 डेव चैनल पर प्रोवाइड किया। मैं यहाँ पर पूरी तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया। चलो अभी यहाँ पर देखा तो कौन सा नया फीचर्स इसके साथ साथ क्या कुछ फिक्स करने का कोशिश किया। 23560 इसी बिल नंबर के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 डेव चैनल पर जो नया फीचर्स देने का कोशिश किया। चलो मैं यहाँ पर देखने का कोशिश करता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर विंडोज 11 का कोपाइलट जो विंडोज है इसको ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पर कोपाइलट ओपन हो गया पूरी तरह से। हो सकता है कि विंडोज 11 का कोपाइलट इसमें मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर फाइल में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है। डायरेक्ट मैं यहाँ पर स्विच कर सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर ऑल्टर और टैब ये दो स्विच को प्रेस करने के साथ साथ जितना सारा मिनिमाइज है सारा कुछ ओपन हो जाएगा। कोपाइलट ये सर कुछ देखे, देखो यहाँ पर जितना सर कुछ मिनिमाइज है। टैप को एक साथ प्रेस करो। देखो यहाँ पर मुझे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जाना है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को क्लियर। देखो यहाँ पर ऐसे करके छोड़ दो। देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ गया। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से मैं यहाँ पर कुछ लेके मैं कोपाइलट में यहाँ पर काम कर सकता हूँ। मुझे अभी यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर को चाहिए। देखो यहाँ पर इसके लिए वो ऑल्टर और टैप प्रेस कर लो। देखो यहाँ पर कितना सर कुछ है ओपन है। देखो यहाँ पर ये है फाइल एक्सप्लोरर, तो फाइल एक्सप्लोरर को रख के मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। देखो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर पूरी तरह से ओपन हो गया। मैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में कुछ देख के मैं यहाँ पर कोपाइलट में टाइप कर सकता हूँ। ये जो फीचर्स है ऑल्टर प्लस टैब, ये फीचर्स को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 डेव चैनल के साथ पूरी तरह से ऐड कर दिया। ये नया फीचर छोड़ के माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 डेव चैनल पर कुछ फीचर्स प्रोवाइड किया। चलो मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश करता हूँ। विंडोज 11 डेव चैनल पर जो फाइल एक्सप्लोरर था, फाइल एक्सप्लोरर में ड्रैग एंड ड्रॉप एंड कॉन्टेक्स्ट मेनू में बहुत सारा कुछ इशू आ रहा था, ये अच्छे से काम ही नहीं कर रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। उसके साथ साथ विंडोज 11 डेव चैनल पर यहाँ पर सर्च ऑप्शन में अगर कुछ फाइल का नाम आप एग्जैक्ट लिखते हो तो भी वो फाइल ओपन नहीं हो रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। और बहुत सारा विंडोज 11 पीसी में यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर क्रैश हो रहा था, तो इस इशू को भी पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। इसके साथ साथ बहुत सारा विंडोज 11 पीसी में ये इशू आ रहा था कि वहाँ पर यूएस जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज अच्छे से डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था, वो लैंग्वेज में बहुत सारा कुछ इशू आ रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो है मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर मैं टास्क मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। इस टास्क मैनेजर सेक्शन में जो परफॉर्मेंस सेक्शन है, बहुत सारा पीसी में इशू आ रहा था कि टास्क मैनेजर का परफॉर्मेंस सेक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा था, अच्छे से शो नहीं कर रहा कितने यूज़ हो रहा है आपका सीपीयू, रैम, डिस्क, आपका ग्राफिक्स जो यूज़ हो रहा है वो शो ही नहीं कर रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये यहाँ पर देने के साथ साथ। सो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 डेव चैनल पे 23560 इसी बिल नंबर के साथ एक नया फीचर्स उसके साथ साथ कुछ फिक्सेस प्रोवाइड किया। मैं यहाँ पर बोलने की कोशिश किया। तो आज चलते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो प्रोड्यूस होकर टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।